हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज बनाएंगे बटरी गार्लिक मशरूम, जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिसे बनाने के लिए मैंने एक पैन को गर्म कर लिया है। उसमें 2 बड़े चम्मच बटर ऐड करेंगे, साथ में ही 1/2 टेबल स्पून ऑयल भी डालेंगे। बटरी गार्लिक मशरूम बना रहे हैं तो उसमें बटर ज़्यादा लगता है, तो इसलिए ज़्यादा बटर डालना है और तेल थोड़ा कम डालना है। बटर को थोड़ा फैला लेंगे, अच्छे से मेल्ट होने देंगे। उसके बाद एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छे से भूनेंगे, जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए तब तक प्याज को भूनना है। प्याज थोड़ा पक गया है, अब इसमें मशरूम डालेंगे, जिसे हमने अच्छे से धोने के बाद सुखा लिया था। अब प्याज और मशरूम को अच्छे से पकाएंगे चलाते हुए, बिल्कुल भी ऐसे नहीं रखेंगे। मशरूम को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए चलाते हुए पकाएंगे, उसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन भी डालेंगे। अब सारी चीज़ों को फिर से चलाते हुए पकाएंगे। इस तरीके के मशरूम को हम कभी स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे और साथ में ही स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को मिला देंगे। थोड़ा चिली फ्लेक्स डालेंगे, आप चाहो तो रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आपको इसे ग्रेवी वाला बनाना है तो आप इसमें टमाटर प्यूरी भी डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को 5 मिनट के लिए चलाते हुए पकाना है। सारी चीज़ें मिक्स होनी चाहिए, तभी अच्छा टेस्ट आता है। अब ऊपर से हरा वाला प्याज डाल देंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे, आप चाहो तो धनिया भी डाल सकते हैं। कितना आसान है ना मशरूम बनाना। बनके तैयार हो गया है टेस्टी गार्लिक मशरूम। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।